हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके एमकॉम मास्टर इन कॉमर्स के सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट IBO 1 की। अब ये इग्नू के एस्पेक्ट पे हम लोग कवर कर रहे हैं। इग्नू एमकॉम के बेसिक अगर हम लोग देखें, इग्नू एमकॉम का सिलेबस, तो वहां पे हमारा फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होता है IBO 1, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस, विच इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल बिजनेस। अब इग्नू का कंटेंट कई बार पढ़ना जो है दैट इज लाइक बिट डिफिकल्ट फॉर अस, उसको पढ़ के कंप्लीट कर पाना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि आप इग्नू से पढ़ाई कर रहे हो, इट मीन्स या तो आप कोई और कोर्स भी कर रहे हो, यू आर डूइंग सम अदर कोर्स, या फिर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, तो इट मीन्स सबका इन सबका एक ही मतलब है कि यू डोंट हैव दैट मच टाइम टू कंप्लीट फुल इग्नू बुक्स, इतना हमारे पास टाइम नहीं हो पाता है। और फिर बात आती है कि यहाँ पे हमें जो आंसर लिखने हैं वो आपके 20 मार्कर 500 वर्ड लिमिट कवर अप करनी है, तो वो कैसे करें, क्योंकि इन टोटल पांच ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 20-20 मार्क के, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसमें आता है। और यहाँ पे आपको कोई प्रॉपर टीचर, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, राइट? ये चीज हमें नहीं मिल पा रही है जो रेगुलर स्टूडेंट को मिल जाती है, वो कॉलेज जाते हैं रेगुलरली, वहाँ पे क्लासेस लेते हैं, तो हमारे लिए डिफिकल्टी लेवल रहता है। तो यहाँ पे हम जो कवर करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कवर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब नाउ द क्वेश्चन इज, इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैसे पता? इम्पॉर्टेंट टॉपिक पता लगाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए हम PYQ का एनालाइज, PYQ को जो पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे उनको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चन या टॉपिक हैं जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिपीट मोड पे, सो वी कैन कवर दैट टॉपिक, राइट? अब आ जाती है बात इंटरनेशनल बिजनेस की। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक वन ये रहने वाला है इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, और मतलब उसके प्लस पॉइंट क्या है, पॉजिटिव क्या है, और उसके चैलेंजेस यानी नेगेटिव चीजें क्या रहती हैं इसमें। अब बिफोर लाइक कवरिंग जो लिखा है यहाँ पे, बिजनेस का सिंपल सा मतलब होता है, आप देखेंगे बिजनेस मतलब है ट्रेड, बिजनेस मतलब ट्रेड करना, और ट्रेड मतलब सेल एंड परचेज। अब आपको ये चीज अपने माइंड में बिठा लेनी है कि सेल एंड परचेज सिर्फ गुड्स का नहीं होता है, ऐसा नहीं है कोई सामान ही खरीदा बेचा जा रहा है, इवन सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको कोई सामान नहीं दे रही हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज टू यू। तो जो भी आप अपने टीचर को पे करते हो, आप डॉक्टर को पे करते हो, आप लॉयर्स को पे करते हो, आप इंटीरियर डिजाइनर वगैरह को आप लोग पे कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें किसमें जाती है, ये सारी चीजें जाती है आपकी सर्विसेज में, तो वो भी खरीदी बेची जाती है, बिल्कुल। तो ट्रेड जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये इंटरनेशनल वर्ड लग गया है यहाँ पे। इंटरनेशनल वर्ड जब भी किसी चीज के आगे लग रहा है, इट मीन्स आप बात कर रहे हो अक्रॉस द बॉर्डर, अपनी कंट्री के बाहर की भी बात कर रहे हो आप। तो इंटरनेशनल बिजनेस मतलब हो गया जब हम ट्रेड कर रहे हैं, सेल एंड परचेज, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें कर रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, यानी टू द अदर कंट्री, सो वो क्या कहलाता है, इंटरनेशनल ट्रेड। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, और ये मेरे बताने से पहले ही आप लोगों को पता होगा इसका मीनिंग होता क्या है। इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू द कमर्शियल ट्रांजेक्शन दैट ऑकर्स अक्रॉस नेशनल बॉर्डर। ये ट्रांजेक्शन में गुड्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, आप टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर सकते हो, कैपिटल यानी पैसा, लेबर एक्सचेंज कर सकते हैं, इसमें आप एक्सपोर्ट करते हो चीजों को, बाहर भेजना सामान को, इंपोर्ट बाहर से खरीदना सामान को, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं हम बाहर, लाइसेंस, फ्रेंचाइजिंग, किसी का ब्रांड यूज करना, और लाइक आप किसी और का ब्रांड यूज करना, अपनी फ्रेंचाइजी हम ऑफर कर देते हैं, बाहर की कोई ब्रांड हमें ऑफर कर देता है, तो ये सारी चीजें किसमें जाती है, इंटरनेशनल ट्रेड में जाती है। अब इंटरनेशनल ट्रेड के की एस्पेक्ट क्या है, क्या क्या चीजें होती है, अभी मैंने बताया गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होगा, आप क्या करते हो, आप सामान खरीदते बेचते हो, फिजिकल गुड्स हो गए जो दिख रहे हैं आपको डायरेक्टली, एंड सर्विसेज हो गई जिनका डायरेक्ट टेंजिबल एग्जिस्टेंस, जो टेंजिबल नहीं होती, जो दिख नहीं रही है, बट यू कैन फील दैट, जैसे कंसल्टिंग, फाइनेंस, ये सब चीजें आ गई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कोई बाहर का आपकी कंपनी में, या आप बाहर लगा रहे हो, दैट इज ऑल्सो FDI, तो ये सारी चीजें होती हैं। आप या तो बिजनेस को एक्वायर कर लेते हो अपना इन्वेस्ट करके, या फिर कुछ नया ऑपरेशंस, नया काम स्टार्ट करते हो। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंस किसी काम का ले लेना, फ्रेंचाइजिंग होता है कोई ब्रांड या कोई प्रोडक्ट क्या कर रहा है, वो आपको कहता है कि आप ये चीज यूज कर सकते हो, लेकिन आप उसके बदले मुझे कुछ रॉयल्टी या फी दे देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत सारे ऑथर्स की बुक कई बार स्कूल कॉलेजेस में रेफर की जाती है, तो वो ऑथर क्या करता है, ऑथर ने एक बार बुक लिख दिया, उसकी बुक इतने सब लोग यूज कर रहे हैं, तो उसको मिलती है रॉयल्टी, जो भी उसका लाइक एक तरीके से बुक का जो सेलिंग होता है, बुक जो बिक रही है, उसको रॉयल्टी मिलती है।
इस तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन होती है, ग्लोबली चीजों को सप्लाई किया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया का एक ब्रांड है, मतलब ब्रांड क्या है, इंडिया का एक लाइक फूड उसमें स्टार्ट हुआ है, चाय सुट्टा बार, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम पर्सन का कि किस पर्सन ने इसे स्टार्ट किया था। इसकी एक ब्रांच दुबई में भी ओपन हुई है। तो आप अपने आप को ग्लोबली भी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो ना। ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताया, ऐसे इंडिया में तो बड़े बड़े लेवल पे बहुत सारी चीजों का डील हो रहा है। आयरन एंड स्टील का डील हो रहा है, एग्रीकल्चर कुछ प्रोडक्ट का डील हो रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजों का डील हो रहा है। तो कंपनी अपने मटेरियल को सोर्स करती है, मैन्युफैक्चर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। ऑप्टिमाइज कॉस्ट मतलब कॉस्ट आपका बेनिफिट मिले ना, जब ज्यादा मार्केट होगी, ज्यादा ट्रेड करोगे तो यू कैन टेक द कॉस्ट बेनिफिट। ग्लोबल मार्केट मतलब इंटरनेशनल मार्केट मिल जाए। ग्लोबल इज ओवर द ग्लोब, ग्लोबल मतलब क्या होता है, ओवर द ग्लोब। तो ऐसी मार्केट स्ट्रेटजीज आपको अडॉप्ट करनी है जिससे कि आप जितने डाइवर्स कंज्यूमर प्रेफरेंस हैं, मतलब हर कंट्री के कंज्यूमर जो है उनकी प्रेफरेंसेस अलग अलग होती है। बेस्ट एग्जांपल देखिए, जब मैकडी इंडिया में आया, मैकडोनल्ड जब आया था, तो मैकडी ने ये आलू टिक्की का कंसेप्ट मैकडी में पहले थोड़ी था, आलू टिक्की बर्गर, ये आलू टिक्की तो उसने इंडिया की मार्केट को ऑब्जर्व करा, तब देखा कि भैया यहाँ के लोगों को तो आलू बहुत प्रिय है, राइट। तो उसने जो उसके अंदर की पैटी थी उसको क्या करा, आलू टिक्की यहाँ पे इन्वेंट कर दिया। ग्लोबल मार्केट कंज्यूमर की प्रेफरेंस को पहचान के आप चीजों को में डिसीजन ले रहे हो। अब की प्लेयर्स क्या रहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, मल्टीनेशनल कंपनी, ऐसी कंपनीज जो दो से ज्यादा नेशन में ऑपरेट करी, दो में भी है तो भी मल्टीनेशनल है, दो या दो से ज्यादा नेशन में ऑपरेट करती है तो हम उन्हें मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। ये अभी इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करती हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो आप सेल कर रहे हो तो बाहर एक्सपोर्ट, बाहर से मंगा रहे हो इंपोर्ट, ये भी पार्ट है। फिर गवर्नमेंट अपनी कुछ रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज भी बनाती है जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में फायदा नुकसान हो सकता है। जैसे कि ड्यूरिंग द कोविड के आसपास की बात है, जब चाइनीज ऐप को बैन किया गया था, कोविड एरा चल ही रहा था, सेकेंड फेज थर्ड फेज कुछ तो था कोविड का, जब चाइनीज ऐप को बैन किया गया था, तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन था ना, ये आपने और मैंने थोड़ी डिसाइड करा था, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और ये चीज सारी क्या हो गई, बंद हो गई। तो गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल बिजनेस डायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए बेनिफिट्स क्या है इंटरनेशनल बिजनेस के, सबसे पहला एंड वेरी सिंपल बेनिफिट इज मार्केट एक्सपेंशन। बाहर भी ट्रेड कर रहे हो आप, इंडिया के बाहर भी सर्विसेज दे रहे हो, तो आपको एक बड़ी मार्केट मिल रही है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 आवर दे रही हूँ पढ़ाने के लिए और मेरे पास दो ही स्टूडेंट है, अब वो दो स्टूडेंट ही फीस मुझे देंगे मेरे उस 1 आवर की। बट वही अगर उसी 1 आवर में मेरे पास 20 स्टूडेंट हो, पढ़ाना मुझे वही है, टाइम मुझे उतना ही देना है, लेकिन यहाँ मुझे 20 स्टूडेंट की फीस मिलेगी। तो जब चीजें बल्क में होती है, जब चीजें ज्यादा अवेलेबल है मेरे पास, राइट, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो जब लार्जर वॉल्यूम्स में आप प्रोड्यूस करोगे, चीजें बनाओगे, बेचोगे, तो आप अपनी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो थोड़ी बहुत क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल आपने 10 यूनिट बनाई, आपको लोड करनी है 10 यूनिट, 10 ही बेच रहे हो आप, तो भी तो लोड करने के लिए आपको कोई व्हीकल चाहिए कि वहां तक पहुंचाओगे, उसका पैसा तो लगेगा। वही अगर 50 यूनिट बनाई होती तो भी वो उसी व्हीकल में आ जाती जो आपने 10 के लिए लिया है, तो यहाँ आपको 40 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता। तो वही होता है, जब आप ज्यादा भी प्रोड्यूस करते हो या ज्यादा सेल करते हो तो आपको बेनिफिट मिल जाता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग अलग जगह के कंज्यूमर प्रेफरेंसेस अलग अलग होती हैं, तो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, हो सकता है इस जगह से नहीं तो दूसरी जगह से आपको बेनिफिट हो जाए, तो कहीं आने वाले रिस्क को आप कम कर सकते हो, मिटिगेट कर सकते हो। रिसोर्सेज, जब कोई बाहर की कंट्री आपके यहाँ आ रही है तो वो आपका रिसोर्स यूज करेगी ना, वो आपके यहाँ पे जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल्स वगैरह आपकी कंट्री के यूज करेगी, टैलेंट यहाँ पे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी देगी, ये भी बेनिफिट हमारी कंट्री के लिए, बट वो क्वेश्चन यहाँ नहीं है, लेकिन वो टैलेंट होम कंट्री का यूज कर सकती है, वो टेक्नोलॉजी यहाँ की यूज करेगी, राइट, वो टेक्नोलॉजी यूज करेगी यहाँ की, तो ये सारी चीजें बेनिफिट रहती है इंटरनेशनल बिजनेस में। जो कंट्री आ रही है बिजनेस करने, वो होम कंट्री से ये सब बेनिफिट ले सकती है। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, प्रॉब्लम्स क्या है इंटरनेशनल बिजनेस में, देखिए आप ऐसा तो नहीं है ना सब अच्छा ही अच्छा है, कुछ तो गड़बड़ है। पहली बात, इंटरनेशनल बिजनेस में कल्चरल डिफरेंसेस का एक मेजर इशू आता है। अच्छा, उसमें चैलेंजेस ये नहीं पूछे कि होम कंट्री को क्या है और ये सब क्या है, तो वो हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम बेसिक जनरल चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, जिसमें एक है कल्चरल डिफरेंसेस, कि हर जगह का कल्चर अलग अलग होता है। कल्चर क्या होता है, कल्चर इज अ काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, आप क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, किस तरीके से आप डेली की जो आपकी लाइफस्टाइल है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया में मिल रहे हैं तो मेजर, खैर आजकल तो चीजें काफी चेंज हो चुकी है, बट हम मिल रहे हैं तो हम हाथ जोड़ के, किसी के पैर छू के या अपनी भाषा में ग्रीट करके लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन बाहर की कंट्री में कल्चर है कि आप किसी से मिलोगे तो आप हैंडशेक करके, हाफ करके मिल रहे हो सामने वाले को। तो ये कल्चरल बेसिक है, ये चीज भी कल्चर में आती है, इसके थ्रू मैं ये बताना चाह रही थी आपको, ये चीज भी कल्चर में
आती है, राइट। तो कई बार कल्चर में जो डिफरेंस होता है उस वजह से बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि कल्चर डिफरेंट है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और मिसकम्युनिकेशन भी उसकी वजह से हो सकती है। प्लस पॉलिटिकल एंड लीगल रिस्क। पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी है, आज कोई सरकार है कल कोई सरकार है, किसी ने कुछ रूल बना दिया, प्लस मान लो कोई आपस में दोनों कंट्री के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जैसे बीच में कनाडा का इशू चल रहा था, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है, चेंज ट्रेड पॉलिसी में कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है, लीगल बैरियर्स लगा दिए जाते हैं टैक्स वगैरह के फॉर्म में, या चाइनीज ऐप बैन कर दिए गए, उससे भी कई बार इंटरनेशनल ऑपरेशन में फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो भी एक चैलेंज है हमारे लिए। प्लस एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। आप जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हो तो वहां पे फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरनेशनल करेंसी की वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, हर करेंसी की अलग अलग रहती है। एज कम्पेयर टू अब रुपीज के कंपेरिजन में हम देखेंगे तो हर करेंसी की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग रहती है। अब आज मैंने कोई डील किसी से बात करी तो मुझे लगा प्रॉफिट है यार इस चीज में, तो ये बेनिफिट मिलेगा मुझे आगे, बट कल को जाके उसकी वैल्यू में डिक्लाइन आ गया तो वो चीज मुझे क्या देगी, काफी लॉस दे सकती है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट डाल सकती है, क्योंकि ये तो डेली रेगुलर बेसिस पे चेंज हो रहे हैं, तो दिस कैन इम्पैक्ट माई प्रॉफिट। क्लियर? सो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबसे पहले करने का रीजन ये था, आपको थोड़ी सी सब्जेक्ट नॉलेज हो जाए, बिकॉज ये सब्जेक्ट इज अबाउट दिस, ये सब्जेक्ट ही इसी के रिगार्डिंग है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें कि क्या है ये टॉपिक और सब्जेक्ट क्या है और क्या क्या चीजें हमें आगे पढ़नी है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेसिस पे ही हम इसे कवर करेंगे। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। एंड यस, इसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा कि यस, कम से कम अगर 5-7 लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ भेजूंगी। सो डू शेयर दिस वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, सो दैट ऐसी और भी आगे वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आप उस चीज को कवर कर पाएंगे। अपकमिंग दिसंबर में एग्जाम है, हम ट्राई करेंगे दिसंबर से पहले हम काफी सारे और भी सब्जेक्ट के जितने मैक्सिमम टॉपिक कवर कर सकते हैं वो कवर कर लें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।